वहम होने शुरू हुए, ऐसे लगना जैसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी द मैन हु वाज इन हॉस्पिटल, ये उस किस्म के वहम होने शुरू हुए। लेबॉरेटरी जाकर टेस्ट कराना शुरू हो गया, ये शुगर तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, उन्होंने आगे से रिजल्ट देना नहीं है। मैंने फिर पॉकेट मनी लेनी है अबू से, बात आज से 18-19 साल पहले की। ये वहम उतने अरसे में बढ़ते गए और फिर ये एकदम फुल अटैक हुआ इनका। ये शाउट करना पड़ता था, अब मेरे उस शाउट पे कंट्रोल नहीं होता था, मुंह पे तकिया रख के भी मैं शाउट करता था जोर से। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को पता चल ही गया, फिर उन्होंने 13 साल से इधर हूँ। कहते हैं कि जिसके पास जहनी सेहत है उसके पास ही जिंदगी है, जिसके पास जहनी सेहत ना हो वो जिंदगी नहीं होती उसके पास। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये समझ लें कि जहनी बीमारी और दिमागी बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। दिमागी सेहत नंबर 1, जिस्मानी सेहत नंबर 2, माशरती सेहत के माशरे में आपका क्या हाल है, माशरा आपके साथ कैसा है, माशी आपके जेब के क्या हालात हैं, फिर रूहानी सेहत है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं हायर पावर के साथ, अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनके रिलेशन कैसे हैं, रूहानियत है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप सेहतमंद हैं, अदरवाइज आप सेहतमंद नहीं हैं। यानी वो काम जो नॉर्मली तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं एक दफ़ा हाथ धोता हूँ खाने से पहले और एक दफ़ा हाथ धोता हूँ खाने के बाद, लेकिन अगर मैं उस दौरान 20-25 दफ़ा हाथ धोने लगूँ तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये जहनी बीमारी को शो करता है। ठीक है, एक बात जो नॉर्मल तरीके से की जा सकती है वो बहुत गुस्से से चीख के लड़ के कही जाए, ये एक एबनॉर्मल बात है। एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही है वो नज़र आने लगे तो ये एक जहनी बीमारी है। एक पोजिशन मेरी नहीं है और वो पोजिशन मैं शो करना शुरू कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज ये कहना शुरू कर दूं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो ये एक जहनी बीमारी है। साइकेट्री का मर्ज़ पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि कोरोना के हवाले जिस तरह आपने बात की है, इसके अलावा भी पहले भी साइकेट्री का मर्ज़ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं, जिनको किसी भी किस्म के ख्यालात ऐसे आ सकते हैं कि उनको कोई चीज़ नज़र आ रही है या उनको कान में कोई आवाज़ें आ रही हैं। ये 1% ऑफ़ द पॉपुलेशन होती है। अगर पाकिस्तान की आबादी 23 लाख है, 23 करोड़ है, तो 1% का मतलब कि 23 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और कुछ हज़ार बेड्स हैं पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करने के लिए। अच्छा, ये वो मरीज़ हैं जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो बेड्स ही नहीं है आपको, ट्रीटमेंट सेंटर ही नहीं है। फिर एक दूसरा बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान के साथ क्या है, या ख़ासतौर पर इन कंट्रीज़ के साथ क्या है, हमारे पास जादू टोने का मसला बहुत बड़ा है, हमारे हर घर में ये मसला है। अगर किसी को जहनी बीमारी हो रही है तो उसको जो है ना वो उसको ये कहा जाता है कि इस पर तो जिन आ गया। 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये दूसरी बीमारी है। 6% जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं और ये बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज़ जो कोविड में तो और बढ़ते जा रहे हैं। ये सब पूरा मुल्क, पूरी दुनिया ही इसी चक्कर में इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो बात अच्छी तरह समझ लें कि दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग हो, तो इससे बचना कैसे है, और किसी अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराना है। तो सबसे पहले तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाती है, नफसियाती बीमारी, तो किसी जाली बाबे के पास ना लेके जाए उसको, देर भी ना करें और छुपाए भी ना।